त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टा के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है।